हाँ जी नमस्कार। सलमान जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, एंड आप कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पर लेके जाएं, और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूजिक लीग हम देते जाएं। आप जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, एंड आपकी तरफ से क्या कुछ देखेंगे, क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जब आप भी गाना गाते हैं, वो बहुत ही वायरल हो जाता है, सो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ एक झलकियाँ देखेंगे। वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है, जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफी एनर्जी है एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है, म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी तीन गाने बनाए और बहुत तीन गाने बना के हमारे चैनल पर डाल भी दिए थे, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है, इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक, तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। ढेरों सारी टीम होने वाली है, पंजाब, यूपी, आपकी तरफ से आप किसे सपोर्ट करते हैं? मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। सलमान सर, आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग मान ली थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, सभी बहुत हैप्पी हैं कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है, एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, देखो हाँ, तो अब हमारी तो तीन पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात यह है कि वैसे ही बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फील आ रहा है कि एकदम सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे, और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं, तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिजनेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं, और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है, और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट है। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का, और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप सब नॉर्मल घूम रहे हैं, और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आए देखने के लिए पिक्चर, तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज वगैरह कर लें, ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है, प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं, तो वो
सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, और दुआ है कि 2021 और 2022 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी, इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब आप एक्टिंग आपकी फिल्में आती है तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर फ्यू लाइनें अगर आप म्यूजिक का है तो अगर आप गुनगुना सके जो बहुत ही अच्छा हमें दी, तो रिक्वेस्ट थी अगर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। गौर से सुनिए, ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार। सलमान जी, एक वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो प्लीज की क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, गॉड ब्लेस, बी सेफ। देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहूँगा, जरूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। सर, 2020 में बिग बॉस भी लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे इस बार के सीजन का किस तरह से? तो द राइट थिंग शुड बी डन, द मोस्ट करेक्ट थिंग शुड बी डन, the most noble thing should be done, yahi hai, sahi cheez honi chahiye har ek ke sath. Bhai, thoda sa visual se tha to please, visual yahan thoda sa. Thank you done with this?